केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने एनडीए से अलग होने के संकेत दिए हैं। पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बीजेपी को उनकी पार्टी ने 20 फरवरी तक का मौका दिया था, लेकिन बीजेपी ने शिकायतों का समाधान नहीं किया। ऐसे में अब अपना दल फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र और यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के नेताओं की तरफ से आम चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसकी वजह से यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अपना दल की नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है और अब इसीलिए उनकी पार्टी स्वतंत्र है और अपना रास्ता खुद चुनेगी। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। इसके अलावा अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि यूपी बीजेपी की सरकार लगातार उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा था कि आपने विभिन्न आयोगों में नियुक्ति की है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इन आयोगों में जगह देने का काम करें, पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ आज तक हमारे किसी भी एक भी कार्यकर्ता को किसी आयोग में कोई भी जगह नहीं दी गई। बता दें कि अपना दल के कोटे से अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में भी अपना दल का एक मंत्री है। हालांकि पिछले कुछ समय से अपना दल बीजेपी से नाराज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुप्रिया पटेल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी संपर्क में हैं और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और अहमद पटेल से मुलाकात भी की। इसलिए अब सबकी नजर 28 फरवरी को होने वाली अपना दल की मीटिंग पर है। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।